जब क्रॉनिक पेन की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेंशन माइंडसेट सिंड्रोम में या माइंड बॉडी सिंड्रोम में जो चीज़ मिस करते हैं कि मे बी कि यू हैव सम एंगर इश्यूज, सप्रेस्ड एंगर, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो रीज़न हो सकता है कि चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड तक का एंगर आपने रिप्रेस करके रखा हो, या वो एंगर किसी के प्रति भी हो सकता है, आपके नियर एंड एयरवंस, योर फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, मदर और सम रिलेटिव, कोई हेटर्ड है जो रिलीज़ नहीं हुई है अभी तक, तो वो भी एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है कि स्टिल आफ्टर डूइंग सो मैनी वर्क, है ना, आप TMS के ऊपर सारा वर्क कर रहे हो, आप सारा जर्नलिंग कर पा रहे हो, आप सारा जर्नलिंग कर रहे हो, आप पूरा फियर को रिड्यूस करने का काम कर रहे हो, आप एक्टिविटी भी रिज्यूम कर रहे हो, आप अफ्रेड भी नहीं हो पेन से, बट स्टिल आपके पेन या सिम्टम जो है वो आपकी बॉडी को लीव नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो मे बी इट्स टाइम टू रिलीज़, है ना, द गेट्स ऑफ द डैम, जो एंगर आपने पकड़ के रखा है, तो इट्स टाइम टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस के लिए यू नीड नॉट विजिट द पर्सन, है ना, और मे बी वो पर्सन इस दुनिया में हो या ना हो आज की डेट में, बट आपने एंगर अभी भी वो पकड़ के रखा है अपने सबकॉन्शियस में, तो थोड़ा सा यू हैव टू थिंक कि वो एंगर किसके प्रति हो सकता है ना, मे बी कि एक्सपेक्टेशंस आप फुलफ़िल करना चाहते थे किसी की, क्योंकि आपके ऊपर थोपी गई थी, तो उसका भी एक एंगर हो सकता है, है ना, यू वांट टू लिव अप टू सम स्टैंडर्ड सेट अप बाय समवन, है ना, कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ये परफॉर्म करना, आपको दिस एंड दैट अचीव करना है, तभी आपको वो एक्नॉलेज करेंगे, तो वो सब भी इशू हो सकता है, तो फॉरगिवनेस के लिए आपको किसी को विजिट करने की ज़रूरत नहीं, किसी को पर्सनली बोलने की ज़रूरत नहीं है, है ना, आप यू कैन डू इट योर सेल्फ, कि आपने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, तो एक बहुत पावरफुल इमोशन है ये फॉरगिवनेस, है ना, लेटिंग द ऑल एंगर मेल्ट, है ना, जो भी आपने अभी तक होल्ड ऑन किया आपने। और सेकेंड आता है विल पावर का, विल पावर आप कितनी रख रहे हो हीलिंग की, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो जल्दी, या आप में विल पावर है, आप फियर को तो कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी विल पावर में जो डिज़ायर टू हील है वो कहीं ना कहीं वीक है आपकी, आप गिव अप कर रहे हो दो दिन के सिम्टम्स को ही, कि आपने वर्क शुरू किया अपना TMS फाउंडेशनल वर्क, उसके बाद आप तीन दिन में ही एक्सपेक्टेशन चाह रहे हो कि मेरे को, है ना, कि मेरे को फिनोमेनल, मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिले, अपने सिम्टम्स में एक डिक्रीज देखने को मिले, तो वो विल पावर का मतलब है कि यू नो यू विल हील, डेफिनेटली यू विल हील, और वो उसके लिए एक महीना लगे, एक साल लगे, छः महीने लगे, वो उसकी आपको परवाह नहीं है, यू आर विलिंग टू हील, यू हैव दैट विल पावर। विल पावर से आज हम एवरेस्ट तक पहुँचे हैं, है ना, वी आर गोइंग टू द मून एंड एमिंग फॉर द स्टार्स, है ना, कहाँ थे और आज ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ है हर फील्ड में, तो कोई भी एग्जाम्पल आप देख लो इसी इंडिविजुअल का या किसी नेशन का, तो इट टेक्स विल पावर टू अचीव समथिंग। तो विल पावर का मतलब ये नहीं कि आप एक एडिशनल स्ट्रेस डालो अपने सिस्टम पे, विल पावर का मतलब है कि एक पॉजिटिविटी के साथ आपको पता है कि यू हैव द फेथ दिस स्टफ विल वर्क। तो फियर कब आता है, फियर अनसर्टेनिटी से आता है, फियर तो कोई ना कोई हमेशा रहेंगे लाइफ में, कभी आपको लव्ड वन को खोने का फियर, कभी जॉब की सिक्योरिटी का फियर, बट सिक्योरिटी होते हुए भी एक फियर रहेगा कि ये सिक्योरिटी चली जाए, तो फियर तो हमेशा लाइफ में रहेंगे, बट जब इस फियर की आती है कि फियर ऑफ सिम्टम्स एंड अटेंशन, कि अब क्या होगा, इस पेन से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ पे, आपके करियर को, आपके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है या कर सकती है, वो फियर, उसको लेट गो करने का फियर, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रहा है सारा, वो लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज की वजह से हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी भी सिम्टम की वजह से आप बेड रिडन हो जाओगे, तो दैट मीन्स अभी आप पूरा बिलीव ही नहीं कर रहे इस स्टफ में, क्योंकि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, तो आप बेड रिडन क्यों होंगे फिर, कोई और हुआ था क्योंकि उन्होंने बिलीव नहीं किया था, और वो बेड रिडन लोग भी तो ठीक हुए जब उन्होंने बिलीव करना स्टार्ट किया, तो आपको उस स्टेज तक पहुँचना ही क्यों है, आपको उससे पहले ही रिकवर करना है। तो ये तो हुई विल पावर की बात। फिर बात आती है अपने ब्रेन को आप कैसे टैकल करते हो हीलिंग की जर्नी में, आपको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली डेली अपने ब्रेन को अश्योर करना है, अपने सबकॉन्शियस को टॉक बैक करना है कि आई एम ओके, है ना, यू आर गोइंग थ्रू सो मच पेन, बट हियर यू आर, आपको इतना पेन आपने सफ़र किया फिर भी आप स्टैंड कर रहे हो ना अपने पैरों पे, आप आज भी हो, जिंदा हो, दैट मीन्स इट्स अ प्रूफ कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग, यू कैन हैंडल इट। तो ब्रेन को जब ये सटल मैसेज जाएगा कि एक्चुअली आपको कोई डेंजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो दिन झुक के काम कर लिया, आपको पेन बढ़ गया क्योंकि आप फियर में थे, प्रिडिक्टिव कोडिंग थी, बट तीसरे दिन आप बताओ ना ब्रेन को कि देखिए, तीसरे दिन आप बता सकते हो ब्रेन को कि हेयर आई एम स्टैंडिंग, कुछ भी तो नहीं हुआ, इतना फियर की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ऐसे करके क्या ब्रेन को मैसेज आया कि जो एक्टिविटीज़ वो फियर कर रहा है एक्चुअली में डेंजरस नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो पेन देता है, बट नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ, आपको कोई परमानेंट इंजरी नहीं हुई, कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, तो इससे ब्रेन को क्यूज़ मिलते हैं कि एक्चुअली में कोई डेंजर नहीं है, ये सारा थिन एयर, आउट ऑफ थिन एयर वो क्रिएट कर रहा है।
हाँ एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ रहा है इससे रिलेटेड, कि एक मेरे नोन है उनके ब्रदर हैं, वो 1-1.5 साल से बैक पेन से स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, एक्सरे कराए, उसमें डॉक्टर ने बोला हाँ यू हैव डीजनरेशन और आपको झुकना नहीं है, बैंड नहीं करना है, वही रेगुलर प्रिकॉशंस और दवाइयाँ खाई, उन्हें एक्सरे भी करवाया था, फिर भी उनका पेन जो है वो 6 महीने बाद ठीक नहीं हुआ, फिजियोथेरेपी के बाद भी। फिर उनको लेग में शूट डाउन करने लगा पेन, तो फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने सोचा कि अब MRI करानी पड़ेगी, कोई नर्व कंप्रेशन होगा या ऐसा कुछ होगा, बट MRI उन्होंने कराई और उसमें कुछ भी नहीं आया, लिटरली सब कुछ ठीक था, बस स्लाइट डीजनरेशन जो उनको बोला गया कि ये तो आपकी उम्र के लोगों को ही तो इतना तो होना ही है, ये कोई बहुत यूनिक MRI नहीं आपका, ये तो मतलब एक नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल से भी अच्छा मानेंगे कि आपकी एज के हिसाब से ये नॉर्मल है। तो उसके बाद उनका वो फियर एकदम कम हो गया कि डॉक्टर ने बोला है कि बैक में कुछ है नहीं, MRI में कुछ नहीं आया है, तो उनका बैक पेन ठीक हो गया। बट सडनली नेक्स्ट वीक से उनके नेक में सीवियर पेन होना शुरू हो गया और वो फिर कई मंथ तक रहा। फिर उनको बाद में डॉक्टर साहब के बारे में पता लगा, तब उनको समझ में आया कि ये सब हो क्या रहा है। तो उन्होंने फिर TMS वर्क करना शुरू किया, है ना, स्टार्टेड थिंकिंग साइकोलॉजिकली रादर फिजिकली, तब उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट, अब वो नेक पेन भी उनका कुछ महीनों में ठीक हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि ब्रेन ट्राइज इट्स बेस्ट टू कन्विंस यू दैट यू हैव समथिंग रॉन्ग। जब तक आप उसको टॉक बैक नहीं करोगे, डेली मैसेजेस नहीं दोगे सेफ्टी के, तब तक ब्रेन जो है वो एक जैसे स्केयर्ड लिटिल चाइल्ड होता है, तब तक वो स्केयर्ड ही रहेगा। आपका काम उसको एश्योरेंस देना, रेगुलर एश्योरेंस, सेफ्टी के मैसेज, एक्यूरेट नॉलेज, यही TMS का फाउंडेशन है। फेथ कि 100% आप बिलीव कर रहे हैं स्टफ में, कोई ट्रेसेस ऑफ डाउट नहीं है कि TMS भी है, बट मे भी कुछ फिजिकल भी है, आप ऐसा सोच रहे तो वो कहीं ना कहीं आपकी रोड टू रिकवरी में एक हर्डल बनता रहेगा हमेशा के लिए। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और नो मैटर वट कि 10 लोग भी ये वीडियो को देखें, हो सकता है कोई आज से 5 साल बाद इस वीडियो को देखे, आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।